नया गर्मा गर्म कांड आपके बीच में प्रस्तुत है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ओके सो दोस्तों, इस प्रकार का इंटरेस्टिंग और कमाल का वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर दोस्तों और शेकी फिट, वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट एंड प्रीसेट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड मटेरियल। आप उस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। एंड दोस्तों, इस प्रकार का स्टोरेज क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिना विदाउट स्किप किए देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो तो आई रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे अपना अलाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। और दोस्तों, प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जब आप प्रोजेक्ट हमारा डाउनलोड करके इंपोर्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। सॉन्ग बिट मार्क एंड सेगफेयर, तो दोनों को आपको डाउनलोड करके सीधे इंपोर्ट कर लेना होगा। सबसे पहले आपको अपने ओपन जो ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे क्रिएट करना है, इसे फोटो कैसे कैसे लगाना है, और यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्टार्टिंग में आपको मार्क देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई लोगो है या फिर पीएनजी कुछ भी है तो यहाँ पर अपना अटैच कर सकते हैं इसको डिलीट करके। डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले स्क्रिप्ट पे क्लिक करना और स्टार पर डिस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। फिर आपको मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, ठीक है। तो एरो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और दोस्तों प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना, और जो भी आप फोटो यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं आप अटैच कर सकते हैं। ये सब फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, इस प्रकार से थर्ड पर क्लिक करना है और इस प्रकार फ्रेंड्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। मूवमेंट टास्क जाने के बाद आपको सबको इसको क्या जाना है और यहाँ पर एरो पे क्लिक करके जो आपका यहाँ पर बीट के हिसाब से आपको फोटो को मिला लेना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बैक कर लेना है। ओके गाइस, मैं आपको बता दूँ, फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखने को नेक्स्ट बीट, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करके इस प्रकार से मैं इस फोटो को अटैच कर लेता हूँ। और दोस्तों, एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको कर लेना है। ओके, यहाँ तक आपको इसको मिला लेना है और बैक करके आपको अपने सेकंड फिट इस प्रकार से इजीली आ जाना है। और यहाँ पर आपको 1 2 जो आपको फर्स्ट सेकंड इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर सबसे पहले वाले पे आपको क्लिक कर लेना है और इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से 3rd पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इफेक्ट आगे भी यूज़ होगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कहाँ पर कैसे कैसे होगा। ओके एंड दोस्तों, यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इजीली आप इस पर पेस्ट करके यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपका पहला इफेक्ट लग गया, फिर आपको बैक करके आ जाना अपने सेकंड इफेक्ट में। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा दूसरा वाला इफेक्ट। ओके, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके 3rd पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और उसमें यहाँ पर सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से हम इस इफेक्ट को भी लगा देंगे। फिर आप एरो पे क्लिक करना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है। ओके, और उससे यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, आपका फोटो इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है। ओके, और उससे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपका जितना भी बीट दिख रहा है बीट के हिसाब से आपको फोटो को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से लेकर के अब जो आपका नेक्स्ट बीट आपका दिख रहा है 1 के ऊपर, आपको यहाँ पर क्लिक करके जो आपका बीट है फोटो क्लिक यहाँ पर क्लिक करके मीडिया पर फोटो इस प्रकार से अटैच कर लेना है। ओके, और उससे यहाँ पर इफेक्ट कौन सा लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से 3rd वाला इफेक्ट। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इजीली आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, बैक करके आपको अपने स्ट्रॉन्ग बीट मार्क इस प्रकार से इजी आ जाना है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको फोटो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, जो भी यहाँ तक यहाँ पर आप जितने भी फोटो अटैच किए होंगे। ओके, इस प्रकार से बीट के बीच में सभी पर हमारा यही इफेक्ट रहेगा जो कि हमने अभी पेस्ट कर चुका हूँ 3rd वाला। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जब आपका फोटो लास्ट पे स्पीड पर है तो यहाँ पर भी आपको वही वाला इफेक्ट लगा देना है। फिर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने जाएगा 1 नंबर से मैंने सेट किया। ओके, फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको जो 1 नंबर जो वाला इफेक्ट है आपको इसी को इस प्रकार से कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करने के बाद जो आपका 1 नंबर यहाँ पर शो हो रहा है ना, इसी पे आप जो भी फोटो लगाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर वाला इफेक्ट आप अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, फोटो पर क्लिक करके इसलिए आप इस इफेक्ट को भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से फोटो को भी आप अटैच कर सकते हैं। और इस प्रकार से फुल स्क्रीन करते एरो पे क्लिक इस प्रकार से आपको मिला लेना होगा। ओके, एंड दोस्तों, यहाँ पर जो आपका देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले बैक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको देखने को 1 2
3, यानी कि हमने 3 ही फेड लगा लिया है और यहाँ पर जो आपका बल लगेगा 4th ही फेड लगेगा। तो बैक कर लेते हैं और अपने सह की फेड पे आ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 जो 4th इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करके इजीली आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और दोस्तों बैक करके आपको अपने 100 बिट मार्किंग इस प्रकार से आ जाना है। 1, 2, 3 इफेक्ट के बाद जो तीसरा इफेक्ट के बाद जो इसी इफेक्ट के बाद जो 4th इफेक्ट आपका बन रहा है इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करके इजीली आपको पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर आपका ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट फोटो के साथ आपका यहाँ से लेकर के जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लगने वाला है। और यहाँ पर आपका डबल डॉट भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपका बीट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। और प्लस पर क्लिक करने के बाद जो आपका नेक्स्ट भी यहाँ पर आपका जो फोटो है इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ से आपको फोटो कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते जो आपका नेक्स्ट बीट है यहाँ तक आपको मिला देना है। जो अभी भी कॉपी किए थे 4 नंबर इफेक्ट आपको इस प्रकार से इजी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये वाला इफेक्ट आपका लग जाएगा। फिर आपको थोड़ा आगे जाना, यहाँ पर आपको देखने लगा सेम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दोनों फोटो यहाँ पर कोई भी सेम रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यही फोटो रखता हूँ, ठीक है, मैं ये फोटो रखता हूँ, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको मिला लेना होगा और यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। और आपका जो आपका यहाँ पर जो दोनों डबल डबल बीट्स शो हो रहा है यहाँ पर आपका दोनों सेम ही फोटो लगेगा। तो मैं सेम फोटो को इस प्रकार से लगा लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेट करके दोनों को लगा लेना होगा। फिर आपको एरो पे क्लिक करके इस प्रकार से मिला लेना है। अब कैसे यहाँ पर आपको इफेक्ट कौन सा लगेगा वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैक कर लेना है और आपको यहाँ पर आपको सही इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6 और 7, ये 6 और 7 दोनों आपका सेम है, ठीक है। तो आपका इस पर क्लिक करेंगे फोटो पे और इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों 100 बिट मार आपका जो दिख रहा है अभी आपको जहाँ पर सेम शो हो रहा था ना, आपके स्क्रोल नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो सेम वाला शो हो रहा है यहाँ पर आपका जो फोटो यहाँ पर 1 और 2 दोनों पर आपका इस पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। और ये वाला इफेक्ट आपका पहले पर लग जाएगा। और जो सेकेंड वाला इफेक्ट है उसके आगे वाला मैं दिखा देता हूँ। सेकंड इफेक्ट में आना इजिली और यहाँ पर आपको जो सेकेंड इफेक्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, आपको इस पर इस प्रकार से क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और वहाँ पर ले जाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उससे यहाँ पर आपको जो 100 बिट मार्क दिख रहा है यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे चले जाना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है, ओके। और इसके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सेम। तो सेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट इफेक्ट है जो सेकेंड वाला इस पर क्लिक करके हम इसको इसी प्रकार से लगा देंगे। तो जब ये भी इफेक्ट लग जाएगा फिर आपको एरो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपका नेक्स्ट बीट स्टार्ट होता है। तो प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पर जाना है। जो भी आप फोटो लगाना चाहिए आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये हमारा फोटो अटैच हो गया और यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक आपका जितने भी बीट शो हो रहा है, ठीक है, सभी पर आपको यही फोटो जो भी आप फोटो लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो हमारा जो बीट के हिसाब से आपको इस प्रकार से पूरा लास्ट तक फोटो को अटैच कर लेना है जो कि आपका यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है डबल बीट के साथ। तो सबसे पहले बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सही फ्रेम देखने को मिल जाएगा लास्ट में आपको ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस क्लिक कर देना है, इस प्रकार से कॉपी फेड कर लेना है और यहाँ पर आपको 100 बिट मार्क में इजीली आपको आ जाना है। फिर इसको थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। इस डबल बिट के बाद जो इफेक्ट शो हो रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। तो ये इफेक्ट अब पूरा हमारा लास्ट तक लगेगा जितने यहाँ पर बिट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो फोटो पर क्लिक करेंगे इसलिए आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो कि हमारा बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाएगा। आपका इस स्टेट क्रिएट हो जाने के बाद इसको आपको गैलरी में सेव कर लेना है। तो सेटिंग के बगल में आपको बॉक्स पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करके आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो आई होप गाइस आप लोग एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।